आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इनवमेंट फ्रॉम जेके तो बेसिकली जेके पी एस आई की एग्जाम से हमने ये क्वेश्चंस को उठाया है क्वेश्चंस को देखेंगे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे और कंसेप्ट को फुली बिल्ड करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं द तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यू एन एफ ट्रिपल सी कॉन्फ्रेंस इज टू ऑफिशियली लॉन्च द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस आई तो कहता है कि यूएनएफ ट्रिपल सी की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसने ऑफिशियली लॉन्च करा था ए को क्या वो कॉप ट्वेंटी थी, थी तो बता दू कॉप ट्वेंटी सेवन जो थी वो इजिप्ट में हुई थी इजिप्ट में, में हुई थी दो हजार बाईस में और इजिप्ट के कौन से शहर में हुई थी शाम अल शेख शाम अल शेख तो इतना आपको याद नहीं रखना आपने याद रखना बस ये इजिप्ट में हुई थी और कब हुई थी दो में अगर कोई पूछे नेक्स्ट कॉप कॉप ट्वेंटी एट कहाँ पर होनी है तो यू में होनी है दो में इतना आपको याद रखना अब आप सोचोगे सर आप यू एन एफ ट्रिपल सी बोल रहे हो हमें ये नहीं पता आई डी आर ए नहीं पता कॉप नहीं पता तो ये क्वेश्चन समझना मुश्किल है तो अभी एक के करके सब चीजों को समझते हैं देखो होता क्या सबसे पहले 1992 में आपको अगर आपने इन्वॉर्मेंट है अच्छे से तो आपको पता होगा 1992 में एक कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस का नाम था यू जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायमेंट एंड डेवलपमेंट ये होती है रियो में इसको अर्थ समिट भी कहते हैं ये इन्वायमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस अनाउंस की जाती है यूनाइटेड नेशंस द्वारा अब इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें निकलती हैं जैसे एक निकलता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीटी मतलब हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना एक यहां से चीज निकलती है यू एन एफ ट्रिपल सी ठीक है यू एन एफ ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीन मीन क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए हमने एक क्या बनाई है फ्रेमवर्क प्रिपेयर करा है इस यून एफ ट्रिपल सी जो है ये पहली बात फोर्स में कब आता है आपको पता होना चाहिए फोर्स ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइनटी फोर में ये फोर्स में आता है ठीक है पहले आपको ये पता होना चाहिए देन ये जो यू एन एफ ट्रिपल सी है ना इसमें क्या बोला जाता है कि हर साल जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलेंगी और डिसाइड करेंगी कैसे क्लाइमेट चेंज से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है वो जो हर साल यू के मेंबर की जो मीटिंग होती है ना उनको बोलते हैं हम सी क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो ये पार्टी सेवन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई ना वो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में कहा पर हुई थी इजिप्ट में हुई थी और उसमें ये निकला था इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस तो आपको ये समझ आ गया होगा कॉप बेसिकली है क्या आईडिया आज जो है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस इसका मेन यही कंसेप्ट है कि लैंड को ड्रॉट से बचाना ठीक है और क्लाइमेट चेंज से बचाना आपको पता है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा क्लाइमेट चेंज से इंटेंस हीट पड़ेगी कई जगहों पे अनप्रिडिक्टेबल बारिशें होंगी उसकी वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो लैंड को ड्रॉट से बचाना उसके लिए जो बेसिकली इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस बनाया गया था तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आया था ये जो यू हुई थी ना नाइन में इसमें तीन चीजें निकली थी मेन एक सीबीटी कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यू एन और एक निकला था डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ठीक है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस टू कंबाइट डिजर्ट

क्या वो सोलर एनर्जी है सुक्रोज पैकेट है फोर्मेंटेशन है नन ऑफ देखो सबसे प्राइम सोर्स एनर्जी का सन है सन से ही एनर्जी आती है उसी को यूज करते हैं सनलाइट को लेके प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फिर हम हम उन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड है ठीक है तो इसी तरह से मेन सोर्स जो एनर्जी का वो क्या है सन है तो सोलर एनर्जी इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम तो आप ऐसे याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जिसे कहते हैं ठीक है

बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि देखो अब हम जैसे हैं हैं जो सरफेस पे रहते हैं, वो तो क्या करते हैं वो एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं ठीक है अब जो वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ठीक है वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको लेते हैं और अपना खाना वगैरह प्रिपेयर करते हैं अब हमें यही बताना है कि बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता है कितनी डिजोल्ड ऑक्सीजन है कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन है और वो किसको चाहिए होती है एरोबिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए देखो एरोबिक ऑर्गेनिज्म organism वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है एरोबिक स्टैंड फॉर ही ऑक्सीजन होता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तोड़ने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को अन एरबिक को ज़रूरत ही नहीं होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एरेबिक ऑर्गेनिज्म ठीक है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन है किसी एरबिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ सके जैसे हम खाना खाते हैं ना तो हमारे जब वो सेल्स तक पहुंचता है तो सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस जो जो हमने खाया है उसमें उसको तोड़ने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए इसी तरह एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत होती है अनर, को नहीं होती आपने ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन इनमें से कौन सा इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन देखो अगर इंडिकेटर मतलब क्या होता है कोई चीज अगर वहां पर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी उसकी हैं इंडिकेटर ठीक है क्या बोलते हैं इंडिकेटर अब हमने बताया से कौन सा इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का जिसके होने या ना होने से हमें पता चल जाता है कि वहां पर एयर पोल्यूशन है या नहीं है क्या वो मॉस है, 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 है तो बेसिकली अब ये लाइकन क्या होता है लाइकन आपको पता होना चाहिए इस पर भी क्वेश्चन आता है लाइकन एक सिम्बॉटिक रिलेशनशिप है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब लेन देन वाला रिलेशनशिप जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे को कोई एक दूसरे को कुछ दे रहा है दूसरा पहले को कुछ दे रहा है और वो मिल जुल के रह रहे हैं आपस में ठीक है फॉर देयर सर्वाइवल तो ये एक सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और एलगी का एक क्या करता है एक खाना प्रोवाइड करता है और एक रहने की जगह प्रोवाइड करता और ये आपस में एक है विच वर द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ लास्ट इन्वायमेंट के सेशन में भी किया था कि कौन सा पहला नेशनल पार्क है इंडिया का जिम कॉर्बेट है काना है रंथम है और परियर नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला नेशनल पार्क था इंडिया का इसको पहले बोलते थे हेले नेशनल पार्क बाद में में इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1936 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में है आपने याद रखना है। इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं उत्तराखंड में है और जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था नाइनटी सेवन में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था 1973 में वो कौन से नेशनल पार्क में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही स्टार्ट हुआ था ये आपने याद रखना काना नेशनल पार्क पढ़ा चुका हूं मध्य प्रदेश में रंथम नेशनल पार्क राजस्थान में है या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजस्थान में एक रंथम बोर फोर्ट भी है परियर रिवर केरला में है तो परियर नेशनल पार्क भी केरला में है ऐसे आप चीजें याद रख सकते हो ठीक है रिलेट करके याद रखोगे तो बोलने के चांसेस कम हो जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे मैं क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं द लेबल फॉर इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग देखो एक लेबल दिया जाता है देखो कहीं अगर आपने कोई बिस्किट वगैरह भी लिया होगा या कोई आप चिप्स वगैरह खाते हो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है हर चीज के ऊपर कोई ना कोई लेबल कोई लगा होता, जैसे लिखा होता है जैसे आई एस आई लिखा होता है तो लेबल जो है इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वो कौन सा है आई एस मार्क है ट्रेड मार्क है इको मार्क है या एग मार्क है ठीक है आपने ये बताना आई की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ठीक है आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है ये आपने कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लेयर देखो सूरज से ऐसी कौन सी रेडिएशन आती है जिनको ओजोन लेयर जो है वो रोक लेती है क्या वो इंफ्रारेड रेडिएशन है अल्ट्रा है माइक्रोवेव है नन ऑफ द अबव देखो इंफ्रारेड होती है हीट रेडिएशन वो हमारी बॉडी को चाहिए होती है तो अगर वो स्टैटोस्फेर में रुक जाएंगी हमारे तक पहुंचेंगे ही नहीं तो हमें हीट ही नहीं मिलेगी आप धूप में बैठते हो आपको गर्मी महसूस होती है ना वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है इसका मतलब इंफ्रारेड रेज जो है वो ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर कहाँ पर है स्टेटोस्फेयर में हम कहां पर रहते हैं हम सबसे नीचे रहते हैं ना ट्रोपो में स्टेटोस्फेयर ये स्टेटोस्फेयर में है ओजोन लेयर हम कहां पर रहते हैं टॉपोस्फेयर में इसका मतलब ये है कि इन्फ्राइड रेज तो नीचे आ रही है ना क्योंकि हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं और हमें गर्मी फील होती है ठीक है हमें गर्मी फील होती है इसका मतलब इंफ्राइड रेज तो नीचे आ रही है अल्ट्रावाइलेंट रेज जो है यूवी रेज जिन्हें कहते हैं इनको जो है ओजोन लेयर नीचे नहीं आने देती अगर ये नीचे आ जाए ना ये बहुत हार्मफुल होती है स्किन कैंसर वगैरह कॉज कर सकते हैं और प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी देखो सूर्य से तीन तरह के मेनली रेडिएशन निकलती है एक तो यूवी अल्ट्रावायलेंट जो हमें नहीं चाहिए एक निकलती है इन्फ्रारेड मैंने आपको बता दिया हीट रेडिएशन एक निकलती है विजिबल लाइट जिसकी वजह से हम जो है देख सकते हैं ठीक है ठीके? ये तीन जो है रेडिएशन सूरज से निकलती हैं और अभी मैंने कल लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था एनवायरमेंट के लेक्चर में कि ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन पाई जाए ना उसको बोलते हैं बैड ओजोन वो अच्छी नहीं होती है क्योंकि ओजोन एक हार्मफुल गैस है तो वो अगर ट्रोपोस्फेयर में तो हमारे लिए हार्मफुल है बट जब अगर वो स्टेटोसफेयर में तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि वो अल्ट्रावायेंट रेज को नीचे नहीं आने देती है तो ये छोटी छोटी चीजें यहीं से कंसेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं वट इज द नेम ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइसिस टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ अ अट्रोपोलिटन सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी की एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ने हमें उस इनिशिएटिव का नाम बताना है ठीक है क्या वो सफर है निर्मल है उज्जवल है और नन ऑफ तो इसका आंसर है सफर इनिशिएटिव सफर की फुल फॉर्म होती है मैं लिख देता हूं आपके लिए सिस्टम ऑफ देखो क्वेश्चन कोई भी अगर आता है ना आपको ये पता होना चाहिए कि वो इनिशिएटिव सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा है अगली बार ये भी आ सकता है कि ये जो सफर इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा है तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसिस आपको ये पता होना चाहिए ठीक है तो सफर की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग

की स्टोन स्पीशीज होती है कोई भी ऐसी स्पीशीज जो किसी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है अगर वो स्पीशीज होगी तो साथ वाले ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे ठीक है अगर वो स्पीशीज खत्म हो जाती है तो उधर जो और भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे तो की स्टोन स्पीशीज क्या होती है एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज की कि, किसी इकोसिस्टम की जो ये बताती है कि बाकी ऑर्गेनिज्म वहां पर पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे अब कल्चरल की स्टोन स्पीशीज क्या होती है ऐसी की स्टोन स्पीशीज जिसकी कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है लोगों के लिए तो लोगों के लिए वो कुछ इंपॉर्टेंस रखता है ऐसी की स्टोन स्पीशीज को हम कल्चरल की स्टोन स्पीशीज कहते हैं तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा तो वाइट पाइन इसका मतलब किसी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है तो बिल्कुल रखता है नॉर्थ अमेरिका में एक ट्राइब है ये मेनली नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका में एक ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है किट्सिस की ट्राइब

डिफरेंट सिस्टम्स के बीच वाली जगह जैसे सपोज करो ये अलग इकोसिस्टम है जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एकवैटिक इको सिस्टम है पानी वाला इको सिस्टम है ये हमारा टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम है लैंड वाला इको सिस्टम है ये इक्वाटिक और टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम के बीच वाला जो एरिया आ जाएगा ना दैट इज नोन एज इकोटोन जैसे सपोज करो मान लेते हैं जैसे सपोज करो ये ओशन वाला एरिया है ठीक है ओशन के साथ वाला एरिया है. तो यहां पर अलग तरह का इकोसिस्टम है ठीक है ये मान लेते हैं लैंड एरिया टेरिस्ट्रियल वाला ये अलग इकोसिस्टम इसके बीच में कैसे आ जाते हैं जैसे मैंग्रूव एरिया आ जाते हैं मैंग्रूव वाला या स्वैम्पी एरिया आ जाता है दलदल -दल वाला टाइप ये अलग तरह का ये अलग इको है ये अलग इकोसिस्टम इसके बीच वाला जो ट्रांजिशन एरिया आ जाता है इसको बोलते हैं इकोटोन ठीक है और ये इकोटोन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इतनी डाइवर्सिटी ना यहां पर होगी ना यहाँ पर होगी जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोटोन में पाए जाते हैं तो बेसिकली इकोटोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम भी हो सकती है बिटवीन टू बायोम भी हो सकते हैं तो इसका आंसर बोथ एंड हो जाता है तो दो डिफरेंट इकोसिस्टम या बायोम्स के बीच वाला जो रीजन होता है जो एक ट्रांजिशन का, का काम करता है उसको इकोटोन कहते हैं ठीक है थीके? ये इन्वा के कंसेप्ट है आपको ये देखना है देखो ये जो सीरीज है ये लाने का मेन मकसद यही है कि आपको ये समझाया जाए कि अब आप आपके एग्जाम सीबीटी हैं ये एक सिंगल पेपर नहीं आता है बेस्ड जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे इजी इजी वाले यहां पर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन डिफिकल्ट भी फ्रेम होंगे तो आपको फुल्ली प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के साथ इसीलिए हम इस सीरीज के थ्रू ही आपको डिफरेंट कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग चिपको मूवमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है स्वाइल कंजर्वेशन के साथ बर्ड कंजर्वेशन के साथ कम्युनिटी कंजर्वेशन के साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन है तो इसका आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखो बेसिकली जो चिपको मूवमेंट है ना आपको ये पता होनी चाहिए स्टार्ट कब हुई थी ट्वेंटी फोर अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी टू में ठीक है ये स्टार्ट हुई थी कहाँ पर हुई थी चामोली डिस्ट्रिक्ट जो है चामोली जो है चामोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रेंज जो है कहाँ पर उत्तराखंड में वहाँ की चामोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी इस चिपको मूवमेंट में था क्या बेसिकली वहाँ पर क्या कर रहे थे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे और चिपको मूवमेंट में ये दो तो इम्पॉर्टेंट आप आप पर्सनैलिटीज का नाम यहाँ पर याद रखोगे जो इसके साथ रिलेटेड है एक है सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुना ये बेसिकली गांधी जी के फॉलोअर थे बहुगुना एक ये और एक चंडी प्रसाद भट्ट ये दो नाम आपने याद रखें चंडी प्रसाद भट्ट इन्होंने क्या किया इन्होंने लोगों को बोला कि आप क्या करो आप पेड़ों को हक कर दो गले लगा दो ताकि कोई उनको काट ना पाए इसीलिए इसका नाम था चिपको मूवमेंट ठीक है ये 1973 में 24 अप्रैल को ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और इसी तरह की एक मूवमेंट अपिको मूवमेंट भी है ये उत्तराखंड में है अपिको मूवमेंट उत्तराखंड अपिको मूवमेंट साउथ में थी डेट इज कर्नाटका में थी और ये कब आई थी 1983 में ये भी आप याद रख सकते हो देखो जो बहुत सारी मूवमेंट है ना आपको याद रखने जैसे चिपको हो गया अपिको मूवमेंट हो गया और साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया ठीक है नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया जितनी भी इन्वायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स है ना उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहते हो हम उस पर लेक्चर लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना विच आर द फॉलोइंग इज द ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू कंजर्वेशन रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड देखो हमने बताया कि इनमें से कौन सी एनपीओ है नॉन फॉर प्रॉफिटिंग है वर्ल्ड लेवल में जो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ वर्ट वेटलैंड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या वो वेटलैंड इनिशिएटिव है नेचुरल कंजर्वेंसी uh, है वेटलैंड इंटरनेशनल है और नेशनल वेटलैंड कोलिशन है तो बेसिकली इसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में आप याद रखो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो आपको मैंने कल भी पढ़ाया था जब इन्वॉर्मेंट का पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम बनाते हैं फेब फेब को को क्योंकि 1971 रामसर कन्वेंशन हुई थी और इस कन्वेंशन में वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए गए थे और हम रामसर साइट्स भी डिक्लेयर करते हैं इंडिया की अभी टोटल रामसर साइट्स कितनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है ठीक है विच अमंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया इंडिया में जो एनडीएमए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको कौन हेड करते हैं प्रेजिडेंट करते हैं होम मिनिस्टर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवाट करता है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन और हेड होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखो अब कोई भी अथॉरिटी पढ़नी हो ना आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी अथॉरिटी वो स्टैचुटरी है या नहीं है स्टेचुटरी होता है जो किसी लॉ के तहत बनाई गई हो ठीक है स्टैट्यूटरी होता है जो किसी लॉ के थ्रू बनाई गई है तो ये किसी लॉ के थ्रू बनाई है। अब कौन से बनाई है? में एक आया था, आया था, 2005 में उसके ये, बनाई थी। और ये कब फोर्स में आई थी एनडीएम में ठीक में है इसको चेयर पर चेयर कौन करते हैं इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये बनाई गई है ये एज अ रिस्पांस टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर जब भी कोई डिजास्टर वाली कंडीशन आएगी उसको मैनेज करने के लिए जो है एनडीएमए को बनाया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमंग फॉलोइंग वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड इनमें से कौन सा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड है बी बिल है गोल्ड क्रेस्ट है पैडोलिट है या बी ह्यूमिंग बर्ड है तो आपने सुना होगा ह्यूमिंग बर्ड जो है वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड है ये मेनली क्यूबा रीजन में पाया जाता है क्यूबा रीजन मैप में देखना क्यूबा रीजन कहाँ पर है ये क्यूबा रीजन में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाला मैक्सिको के साथ वाला रीजन जो है उसको बोलते हैं क्यूबा क्यूबा में पाया जाता है बेसिकली और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर ये याद रख सकते हो कि अगर ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है आपको ये भी पता होना चाहिए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच है ठीक है ऑस्ट्रिच ये आपको पता भी होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं द एम्स्टर्डम एम्सटरडम कैनाल रिंग एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है देखो अब ये इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं पूछा है, ये एमस्टर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा है। तो इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट या इस साल जो ऐड हुई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए नाल रिंग ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड है इसमें ये केनाल रिंग है क्या है ये डिस्ट्रिक्ट है ये पोर्ट है मॉन्यूमेंट है ये इनमें से कुछ भी नहीं है तो बेसिकली ये एमस्टरडेम केनाल रिंग पता क्या है ये एक डिस्ट्रिक्ट है ये एक सेवनटीन सेंचुरी की सेवनटीन सेंचुरी मतलब सोलह से सतारह के बीच के टाइम की एक सिटी है जिसने एक डिस्ट्रिक्ट है जिसने सराउंड किया था ओल्ड सेंटर ऑफ एमस्टरडेम को मतलब एमस्टरडेम को सराउंडिंग एक सिटी है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कल्चर इंपॉर्टेंस इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया अब एम्स्टरडेम की अगर बात करें ये किसकी कैपिटल है तो नीदरलैंड की कैपिटल है ठीक है एम्स्टरडेम क्या है नीदरलैंड की कैपिटल है अभी हमने ऊपर देखा है कि नीदरलैंड में किसी चीज का हेडक्वार्टर है तो वो वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है तो ये भी आप याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ ओजोन होल अजोन होल मतलब अजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो गई और एक अजोन होल बन गया वो किस जगह में पाया गया ओशनीय रीजन में नॉर्थ पोल में साउथ पोल में और एंटार्टिका में तो एंटार्टिका में अजोन होल देखा गया था और अजोन होल क्यों हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ जो ऐसे हम कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर देते थे जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे जैसे सी एफ सी क्लोरो इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो ऑक्सीजन में टूट रही थी जिसकी वजह से ओजोन होल बना एंटार्टिका में हमने मोनिट्रियल प्रोटोकॉल आया मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ये मोनिट्रियल प्रोटोकॉल आया नाइनटीन एटी सेवन में जिसमें हमने ये चीज बोली कि हम सारे ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस मेनली सी एफ सीज को फेस आउट मतलब खत्म कर देंगे ठीक है तो ये भी आप याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ऑफ है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहां पर है वैनिस इटली पर्थ ऑस्ट्रेलिया कैम्ब्रिज यूके और ग्लासगो स्कॉटलैंड तो कैम्ब्रिज यूके में यूनाइटेड किंगडम में जो है हेड क्वार्टर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का आपने याद रखना अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है क्या ये ग्लोबल पार्टनरशिप है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए और आपने ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंजर्वेशन पार्टनरशिप है बर्ड्स के लिए तो बर्ड्स को, तो को कंजर्व करने के लिए अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी कंजर्वेशन है तो आपने याद रखना है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तो आप ये याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हॉटस्पॉट इंडिया देखो अब ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली कुछ होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रिलेटेड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिन रीजन की कुछ क्या है कि वहां पर एक तो एंडेमिज्म है मतलब बहुत सारी स्पीशीज हैं जो सिर्फ उसी रीजन में पाई जाती है एक तो ये क्वालिटी होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में और दूसरा वहां पर जो है स्पीशीज क्या हो रही है एक्सटिंक्ट हो रही है खत्म हो रही है अगर ये दो कंडीशन कहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इस रीजन को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं आईयूसीएन क्या डिक्लेयर कर देता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो दो चीज़ें क्या है एक तो वहां पर नियर अबाउट 1500 स्पीशीज होनी चाहिए प्लांट्स की जो वहां पर ही पाए जाए एंडेमिक हो वहां पर और दूसरा वहां पर ऑर्गेनिजम्स को थ्रेटनिंग हो मतलब वो खत्म हो सकते हो ये दो क्वालिटीज अगर किसी जगह की हैं तो उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है आयुसिन द्वारा तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है अगर हम बात करें वर्ल्ड में टोटल थर्टी सिक्स बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट है 36. और इंडिया में कितने हैं चार हैं ठीक है अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है इनमें से कौन सा इंडिया में नहीं है हिमालय नहीं है वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं है वेस्टर्न गार्ड नहीं है और निकोबार आइलैंड नहीं है तो वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं है जो तो इंडिया में चार हॉटस्पॉट है ना बायोडावर्सिटी वो कौन से सबसे पहले हिमालय आगे दूसरे आगे वेस्टर्न गार्ड तीसरे इंडो बर्मा रीजन इंडो बर्मा इंडो और म्यांमार वाला रीजन जो है इसका नाम है इंडो बर्मा रीजन वहां पर जो पाया जाता है ये भी बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है और अंडामन और निकोबार ये एक पार्ट है संडा लैंड का चौथा जो जो हॉटस्पॉट हा, है उसको सुडा लैंड कहते हैं उसमें अंडामैन एंड निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं तो ये चार बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया के याद रखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स मैंने आपको बताया था कि कहां पर है उत्तराखंड में तो आप ये याद रख सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट एलिमेंट ऑफ विच स्टेट आंध्र प्रदेश राजस्थान गुजरात और असम किसका स्टेट एनिमल है ग्रेट इंडियन बर्स्टर देखो ये क्वेश्चन जेके पी में इसलिए आया था क्योंकि तब ग्रेट इंडियन बस्टर बहुत न्यूज में था क्यों न्यूज में था इसकी न्यूज में रहने का रीजन ये था कि ग्रेट इंडियन बस्टर क्या कर रहे थे वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चले जा रहे थे ठीक है तो उनकी एक तो आगे ही पॉपुलेशन बहुत कम है अगर मैं आपको बता दूं इनका आयुसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब ये बहुत कम रह गए ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है ये तो इनका आयुष क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये बहुत कम है और वहां से भी ये पाकिस्तान में चले जा रहे थे इसका मतलब अगर ये पाकिस्तान में चले जा रहे हैं इसका मतलब ये किसी ऐसी स्टेट में इंडिया की जो सराउंड करी है पाकिस्तान को तो आंध्र प्रदेश तो कैंसर हो जाता है असाम भी कैंसर तो गुजरात और राजस्थान बच्चा बेसिकली ये राजस्थान में ही पाए जाते हैं ज्यादा नंबर में और राजस्थान का स्टेट एनिमल भी ये इसलिए ये न्यूज में था इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पेपर में आया था ठीक है ऐसे कुछ जो ना चीजें प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज बहुत ज्यादा न्यूज में है ना उसका आपने IUCN स्टेटस भी देख लेना और उसका ये भी देख लेना कि वो इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना 1972 का उसके कौन से शेड्यूल में है तो ये शेड्यूल वन में है ठीक है शेड्यूल वन में आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सके दोबारा प्रिपेयर किया जा सके ठीक है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है शेल गैस शेल गैस भी एक तरह का और, मतलब नेचुरल गैस ऑयल में ही आता है और ये पाया जाता है अमेरिका के पास वाले एरिया में ये नॉन रिन्यूएबल है एक बार खत्म हो गया वापस रिन्यू नहीं कर सकते सोलर यू you नो know, सोलर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो पेट्रोल कोल तो नॉन रिन्यूएबल है ये आपको पता ही है आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारा न्यू इनिशिएटिव है और हमें सपोर्ट भी करें कमेंट वगैरह किया करें ताकि हमें लगे कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है जो पी है हम वो टेलीग्राम में शेयर करते हैं प्लस डेली क्विज होता है वहाँ पर नौ बजे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें जेके एस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वी एल और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपेरेशन करें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं आपके लिए बहुत कुछ है वहाँ पढ़ने के लिए और ये सब एग्जाम ओरिएटेड है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे यहाँ से और आप बिना किसी कारण के या हम कह सकते हैं बिना किसी पैसों के आप यहाँ पर फ्री पढ़ सकते हैं तो बिना झिझक आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग